गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। Well, I'm really very very sorry. Actually, क्या है कि मार्केट में ना आज तीन नाम के दो ऐसे दमदार स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं जिनका नाम सुनकर ही मेरा मन टी पीने का हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ iQOO 9T और OnePlus 10T की। दोनों ही स्मार्टफोन्स फाइनली इंडिया में अवेलेबल हो चुके हैं और ये दोनों ही काफी पावरफुल कैमरास के साथ लॉन्च किए गए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत में हम ये जानेंगे कि अगर आपको अपने लिए एक राइट कैमरा फोन पिक करना हो तो वो कौन सा हो, iQOO 9T या फिर OnePlus 10T। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब नॉइज साउंड की सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि OnePlus 10T हो या फिर iQOO 9T, दोनों ही टी जो है वो नाइट में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको OnePlus 10T जो है वो 9T के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करता नज़र आएगा। जैसे कि जो वॉल आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पे, जो टेक्सचर वॉल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स देखने को मिलेंगे आपको OnePlus 10T में एज़ कम्पेयर टू iQOO 9T। कॉर्नर देखिए, जहाँ पर आपको पत्ते दिख रहे हैं वो एरिया जो है थोड़ा शार्प ज़रूर है OnePlus 10T में, और AC को भी देखिए शार्पनेस ज़्यादा ज़रूर है लेकिन ग्रेन्स 10T में ज़्यादा है। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रेन्स आपको दिख जाएंगे। इसके साथ साथ OnePlus 10T में देखिए कलर टोन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, मजेंटा टोन ये कैप्चर कर रहा है। जो क्लोज टू नेचुरल कलर टोन है वो आपको 90 में देखने को मिल जाती है। इधर से आप देखिए सैचुरेशन भी थोड़ी एक्स्ट्रा है 10T में 90 के मुकाबले। इस वॉल को देखिए शार्पनेस ज़्यादा है OnePlus 10T में, 90 में लाइट ज़्यादा बढ़ी हुई है और कलर टोन क्लोज टू नेचुरल है, ग्रेन्स थोड़े ज़्यादा है OnePlus 10T में। तो दोनों ही फोन्स के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। दोनों अलग अलग टाइप की वीडियो शूट कर रहे हैं लो लाइट में। जैसे कि मैं इस सिनारियो में आ गया हूँ, तो इस सिनारियो में मैंने आपको 90 के स्टैंड अलोन कैमरा टेस्ट में भी दिखाया था कि ब्लू टोन बहुत पकड़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे OnePlus 10T को देखेंगे तो जो फोटो आपको दिख रही है वो क्लियर नहीं है, वहाँ पे आपको ओवर एक्सपोज्ड एरिया दिखाई दे रहा होगा। जबकि 90 ने जो है iQOO ने यानी देखिए एकदम शार्पनेस को मेंटेन किया है, क्लैरिटी रखी है, ओवर एक्सपोजर नहीं किया, पर थोड़ा ब्लू टोन और ग्रेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं 90 में यहाँ पे। तो थोड़े बहुत एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही फोन्स के आपको देखने को मिल जाते हैं। इस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों ने ही लाइट को थोड़ा सा स्पिल किया है। अगर गौर से देखेंगे तो हल्का सा 90 के पास एडवांटेज है कि लाइट थोड़ी कंट्रोल कर रखी है, पर पेड़ के जो टिप्स हैं दोनों ने ही बर्न किए हैं, ओवर एक्सपोज्ड किए हैं। तो दोनों ही जो हैं वो लो लाइट में ओके साबित हो रहे हैं। थोड़ा सा मुझे देखिए थोड़ा सा दिख रहा है कि 90 और 10T ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। बस अब देखिए इससे अंदर ज़्यादा आपने देखा होगा सैचुरेशन थी 10T में, लेकिन बाहर 90 में ज़्यादा सैचुरेशन देखने को मिल रही है। कार वाला एरिया देखिए डार्क है काफ़ी 10T में, और 90 में थोड़ा सा अच्छे से लिट अप हो रखा है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम से हैं, कुछ कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के। आप बताइएगा कौन सा अच्छा लगा लो लाइट में आपको। लो लाइट वीडियो के बाद यहाँ पे बारी आती है इन दोनों फोन्स के लो लाइट कैमरा सैंपल्स देखने की। तो अगर आप इन दोनों कैमरा सैंपल्स को देखेंगे तो आप खुद जज कर पाएंगे कि कलर साइंस किसकी कैसी है और लाइट किस में कितनी आ रही है। ये जो फोटो है मैंने किसी भी एक्स्ट्रा मोड को ऑन नहीं किया, मैंने सीधा फोन उठाया और फोटो खींच दी है। और इधर आप देख सकते हैं कि इस फोटो में OnePlus जो है वो लीड ले जा रहा है क्योंकि लाइट ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं, सोफे को देखिए आपको लिट अप एरिया दिखेगा। अगर हम iQOO की बात करेंगे, iQOO 90 में हम देखिए सोफा वाला एरिया जो है थोड़ा सा डार्क है, इसके साथ साथ उसमें आपको ग्रीन टोन भी देखने को मिल रही है। वहीं मेरा फोकस एरिया जो था वो मेरा घर का मंदिर था, और इस पर अगर हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए डिटेलिंग जो है वो यहाँ पे आपको iQOO में OnePlus के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि लो लाइट सिचुएशन में OnePlus वीडियो और फोटो में थोड़ा सा आगे निकला। अब एक बार नाइट मोड देख लेते हैं।
अब नाइट मोड ऑन करके जब ये फोटो हमने कैप्चर की, तो इधर देख सकते हैं कि आईकू जो है वो थोड़ी ज्यादा लाइट कैप्चर कर पा रहा है। जैसे आप फैन को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी आईकू 90 में। इसके साथ साथ अगर आप अब जो सेंटर टेबल को देखेंगे या सोफे को देखेंगे तो वहां पे ज्यादा लाइट आपको दिखेगी आईकू 90 में। हालांकि ग्रीन टोन अभी भी हल्की सी आपको सेंटर टेबल में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम मंदिर पे जूम करेंगे तो डिटेलिंग वाइज अभी भी 10T जो है वो लीड कर जा रहा है, यानी वन प्लस 10T जो है वो 90 पर डिटेलिंग वाइज लीड कर रहा है। और ये आपने देख लिया, लाइट डेफिनेटली नाइट मोड में आईकू 90 में ज्यादा है, लेकिन डिटेलिंग 10T में देखने को मिलेगी। अब जहां बारी आती है दोनों फोन्स का फ्रंट कैमरा का लो लाइट वीडियो टेस्ट देखने की, तो यहां पे दोनों में आपको अलग अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा। आईकू को देखिए, चेहरा तो ठीक ठाक शूट कर रहा है, ज्यादा रेड नहीं है और सैचुरेशन ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी क्रॉप डी मेजर, लेकिन टी शर्ट देखिए आपको थोड़ी ओवर एक्सपोज देखने को मिलेगी। वन प्लस की बात करेंगे तो चेहरा थोड़ा सा रेड हो रखा है, लेकिन टी शर्ट देखिए प्रॉपरली यू नो मेंटेन्ड है, इसकी लाइटिंग ओवर एक्सपोज नहीं है और वाइड फोटो भी यानी वाइड वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आईकू थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर पड़ा। और आगे जाएंगे अगर हम थोड़ी सी लो लाइट सिचुएशन में, तो ये देखिए आईकू काफ़ी डार्क हो चुका है और वन प्लस को देखिए चेहरे की लाइटिंग को मेंटेन किया है वन प्लस ने, पीछे ओवर एक्सपोज किया वन प्लस ने, लेकिन आईकू ने पीछे ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया। और मुझे लगता है कि चेहरा एक लाइट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, पीछे कैसा हो रहा है लाइट में वो मैटर ज़्यादा नहीं करता, चेहरा ही डार्क है तो पीछे की लाइटिंग क्या कर लोगे। यहाँ देखो वन प्लस में एटलीस्ट चेहरा दिख रहा है, आईकू में चेहरा ही नहीं दिख रहा, और साथ साथ मेजेंटा टोन भी आ गया आईकू में। तो लो लाइट में जब मैंने इसका स्टैंड अलोन वीडियो बनाया था तब भी मुझे आईकू जो है लो लाइट में थोड़ा सा कमज़ोर लगा था और इधर भी लग रहा है। अब देखिए मैं बाहर आ चुका हूँ स्ट्रीट लाइट में और यहाँ पे देखिए वेल लिट है वन प्लस 10T और 90 अभी भी डार्क आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। और कलर टोन भी काफ़ी अलग लग रही है, आप देख सकते हैं आईकू की 10T की भी अलग है, बट एटलीस्ट आपका चेहरा क्लियर दिख रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हालांकि कहने को तो दोनों ही लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इससे ज़्यादा सस्ते फ़ोन मैंने देखे हैं जो इससे अच्छा परफॉर्म करते हैं लो लाइट में। यहाँ देखिए आईकू वन प्लस के सामने कमज़ोर पड़ता है फ्रंट कैमरा वाइज भी, बैक कैमरा के साथ साथ लो लाइट में फ्रंट कैमरा वाइज भी आईकू जो है वो वन प्लस के सामने मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, वो आप खुद देख सकते हैं। आप बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा। लो लाइट वीडियोस को देखने के बाद यहाँ पर अब बारी आती है इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा सैंपल देखने की। तो ये सिचुएशन आप देख सकते हैं कि ये जो फोटोज हैं ये दोनों के मैंने रेगुलर मोड पे कैप्चर किए, किसी भी फ्लैश ऑन नहीं है। और इधर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि वन प्लस में ऐसा लगेगा कि शायद फ्लैश ऑन हो रखा है, बट बता दूं फ्लैश नहीं है, फ्लैश वाली फोटो आपको आगे दिखाएंगे। और बिना फ्लैश के भी काफ़ी ज़्यादा चेहरे को ब्राइट कर रहा है, पर उसका नुकसान एक ये भी देखने को मिल रहा है कि टी शर्ट जो है वो ओवर एक्सपोज्ड है, इनफैक्ट आपको बटन भी जो है वो प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं दे रहे। वहीं अगर आईकू की बात करेंगे तो इधर आपको बता दूं कि आईकू में देख सकते हैं कि फोटो थोड़ी डार्क कैप्चर हुई है पर टी शर्ट का कलर भी यहाँ पे रिटेन है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आपको चेहरे को ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाना है या टी शर्ट के कलर को आपको मैनेज करके रखना है। तो दोनों का थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसमें आगे पीछे किसी को कह नहीं सकते। लेकिन नेक्स्ट फोटो आप देखिए और यहाँ पर आप कहेंगे कि इधर वन प्लस का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि ये जो फोटो है फ्लैश ऑन करके कैप्चर की गई है और इधर आप देखिए कि इधर आईकू ने टी शर्ट को ज़्यादा एक्सपोज किया है, आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही वाइट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल सिनेरियो भी अगर देखेंगे तो धुंधला सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जबकि हम वन प्लस की बात करें तो इसने लाइटिंग जो थ्रो की है चेहरे पे वो एक प्रॉपर तरीके से थ्रो की है, अच्छी स्पिल है, प्रॉपर इवनली स्पिल है, चेहरा भी लेटअप है और टी शर्ट भी प्रॉपर लेटअप है, थोड़ा सा बटन अभी भी आपको दोनों में ही एक्स्ट्रा वाइट देखने को मिल रहे हैं, बट इस सिनेरियो में मुझे वन प्लस हल्का सा आगे लगा। तो दोस्तों लो लाइट में सभी प्रकार के कैमरा सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स देखने के बाद यहाँ पे बारी आती है डे लाइट में इन दोनों फोन का टेस्ट करने की। आपने देखा लो लाइट में थोड़ा सा कमज़ोर है आईकू जो है वन प्लस के सामने, और इधर अगर डे लाइट में देखेंगे तो यहाँ भी मुझे वन प्लस की वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लग रही है। अगर आप बात करें कि कलर टोन की तो आप खुद देख सकते हैं कलर टोन जो है वो काफ़ी क्लोज टू नेचुरल है वन प्लस में, जबकि अगर आप आईकू में देखेंगे तो थोड़ी सी ओवर सैचुरेशन और जो शेडोज़ हैं वो हल्की सी एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस। जिसे आप पेड़ों के नीचे देखिए थोड़ी सी आपको शेडोज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, और कलर्स भी देखिए थोड़े बूस्टेड हैं आईकू में, वन प्लस में थोड़े न्यूट्रल कलर्स हैं हल्के फुल्के एज़ कम्पेयर टू आईकू। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, पूरा सिनेरियो आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ देखिए जैसे बेंचेस को देखिए, नीचे ग्रीनरी देखिए, पूरा सिनेरियो आप देखिए। इसके साथ साथ अगर मैं आपको फटाफट से इनकी डायनामिक रेंज दिखाऊं तो डायनामिक रेंज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगेंस्ट द स्काई कर दी है, जैसे यहाँ पे इस पेड़ के
एक्सट्रीम आगे वाले झाड़ को देखिए, वन प्लस जो है फिर भी थोड़ी लाइट कंट्रोल कर रहा है, आईकू थोड़ा डार्क हो चुका है। ये देखिए आप, खुद देखिए डायनामिक रेंज अगेन द स्काई में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है आईकू वन प्लस के सामने। और अब मैं आपको स्टेबलाइजेशन का टेस्ट भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा तेज चलूंगा, 1080p एट 60 fps में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा तेज चल के आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको स्टेबल मूविंग वीडियो शूट करने हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बैक कैमरा से जो वीडियोस बनाने हैं तो उसके लिए कौन सा फ़ोन लिया जाए। डेलाइट वीडियो के बाद अब देखते हैं कि HDR ऑफ करके कौन सा फ़ोन जो है वो प्रॉपर सिनेरियो को मेंटेन कर पाता है। इन दोनों फोटोज़ को देखिए कि दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर सी फोटो ली है, स्काई दोनों में ही आपको लगभग सिमिलर सा देखने को मिलेगा, थोड़ा ब्लू थोड़ा वाइट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ज़्यादा एक्सपोज रखा है इन्होंने क्योंकि मेरा फोकस एरिया फ्रंट में जो आपको एक झाड़ दिख रहा है ये मेरा फोकस एरिया था। लेकिन कलर साइंस की बात करेंगे तो खुद देख सकते हैं कि आईकू 90 में ब्लू टोन देखने को मिल रही है, वन प्लस 10T में थोड़े क्लोज टू नेचुरल कलर्स हैं। हालांकि अगर आप शेड के ऊपर के बॉर्डर को जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वन प्लस 10T में शार्पनेस भी थोड़ी ज्यादा है। सेम सिनेरियो को जब मैंने HDR ऑन करके कैप्चर किया तो इधर भी आप देखिए कि दोनों ने ही HDR ऑन का इफेक्ट दिखाया है। स्काई में आपको काफी सारे क्लाउड्स में वेरिएशन देखने को मिलेंगे, पूरा ब्लोन आउट स्काई नहीं देखने को मिल रहा, पर अभी भी डिफरेंस आपको दिखेगा कि आईकू 90 जो है वो एक्स्ट्रा ब्लू टोन डाल रहा है, थोड़ी कूलर टोन कैप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे वन प्लस के सामने थोड़ा सा कमजोर लगा क्योंकि वन प्लस को आप देखेंगे तो ये थोड़े क्लोज टू नेचुरल कलर्स कैप्चर करने की क्षमता रखता है। और इनफैक्ट यहाँ पे जब हम जूम करेंगे तो HDR ऑन करके अब आप देखिए कि शार्पनेस जो है वो आईकू 90 में बढ़ गई है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है, कलर साइंस आईकू की आपको थोड़ी कमजोर लगी होगी वन प्लस के सामने, लेकिन जैसे ही हमने HDR ऑन किया आप खुद देखिए इस बॉर्डर पे शार्पनेस जो है वो आईकू 90 की ज्यादा हो गई है। अब बारी आती है एक दूसरे सेंसर का टेस्ट करने की, यानी वाइड एंगल सेंसर का टेस्ट करने की, और इस सिचुएशन में पूरी तरह से मैं यहाँ पर आईकू 90 को आगे कह सकता हूँ। और उसका सिंपल रीजन है कि आईकू 90 के कलर साइंस वाइड एंगल में वन प्लस 10T के मुकाबले मुझे बेटर लग रही है। वन प्लस 10T जो है वो वाइड एंगल सेंसर का यूज करते समय आप खुद देखिए ब्लू टोन कैप्चर कर रहा है, जबकि आईकू 90 ने इस सिचुएशन में यानी वाइड एंगल फोटो में ज्यादा क्लोज टू नेचुरल कलर्स कैप्चर किए हैं। स्काई देखिए वन प्लस में बहुत ब्लू है, इसके अलावा अगर आप पूरा सिनेरियो देखेंगे तो ग्रीनरी में भी आपको वन प्लस में हल्का हल्का ब्लू टोन देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम इस व्हाइट मार्बल पे जब जूम करेंगे तो डिटेलिंग भी आप देखिए यहाँ पर आईकू 90 की जो है वो आपको वन प्लस 10T के मुकाबले थोड़ी बेटर लगेगी। आप खुद देख सकते हैं काफी क्रिस्प शार्प और डिटेल्ड फोटो देखने को यहाँ पे आपको आईकू 90 में मिल जाती है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इस फाउंटेन के ऊपर चिड़िया बैठी है जो कि आप खुद देख सकते हैं आईकू 90 में क्लियर है। इतनी डिटेलिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेलिंग के लिए भी टेस्ट किया जाए। और डिटेलिंग का टेस्ट यहाँ पे ये किया कि मैंने हाई रेज में ये दोनों फोटोज कैप्चर की हैं और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं दोनों के कलर टोन का डिफरेंस। क्योंकि ये मेन सेंसर से फोटो खींची गई है इसलिए ब्लू टोन इसमें आपको आईकू 90 में देखने को मिलेगी और क्लोज टू नेचुरल कलर्स जो हैं वो वन प्लस में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हाई रेज फोटो की बात आती है तो डिटेलिंग के मामले में आईकू 90 आगे निकल जाता है। आप देखिए इसमें जो टेक्स्ट है वो ज्यादा शार्प और ज्यादा क्लियर आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो सबसे नीचे एक टेक्स्ट लिखा है ग्रीन सोसाइटी वो भी आपको आईकू 90 में ज्यादा क्लियर दिख जाएगा, जिसकी वजह से इस सिनेरियो में मैं आईकू 90 को फिर से आगे कहूंगा। नेक्स्ट अप इज द क्लोजअप शॉट, और इधर हालांकि आप देखेंगे कि दोनों ने ही रेड फ्लावर को थोड़ा ना अलग ही तरीके से कैप्चर किया है, बट एक चीज है आईकू 90 को देखिए वो ब्लू टोन ज्यादा कैप्चर करता है जिसकी वजह से इसने रेड को पिंक कर दिया है। आपको बता दूं कि हाइबिस्कस फ्लावर की फोटो है और आपने इस फ्लावर को कॉमनली पार्क्स में देखा होगा, आप जानते हैं कि रेड है, लेकिन आप इधर देखिए कि आईकू 90 ने इसे पिंक कर दिया है। वन प्लस 10T ने थोड़ा एक्स्ट्रा रेड डाल दिया है लेकिन कलर साइंस मेंटेन रखी है, तो इधर कोई भी आगे पीछे नहीं। बट एक चीज है कि आईकू 90 की कलर साइंस मुझे मेन कैमरा से वन प्लस 10T के सामने इस सिचुएशन में भी थोड़ी कमजोर लगी, ब्लू टोन एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगली फोटो जो है वो थोड़ी और भी ज्यादा क्लोजअप है, यानी मैक्रो शॉट है, और इधर आप देख सकते हैं फॉर श्योर यहाँ पे आपको दिखेगा कि आईकू 90 आगे निकल जाता है। जी हाँ, आप देखिए आईकू 90 में मैं काफी क्लोज जाके ये मैक्रो फोटोग्राफी कर पा रहा था, लेकिन वन प्लस में मैं इससे ज्यादा क्लोज नहीं जा पा रहा था और ना ही मुझे डिटेल्ड फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिल रहा था, क्योंकि फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि वन प्लस में आपको 2 megapixel मैक्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस सिचुएशन में आईकू 90 ही आगे कहा जाएगा। अब यहां पर आपको बता दूं कि आईकू 90 में आपको 2x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिल जाता है जो कि वन प्लस 10T में अवेलेबल नहीं है, बट मैंने वन प्लस 10T में भी
2x फोटो कैप्चर करी जो कि एक डिजिटल जूम है। और इस सिनेरियो को आप देख सकते हैं कि जब आप OnePlus 10T से 2x जूम वाली फोटो लेंगे तो आपको कैसा इफेक्ट मिलेगा। आप खुद देखिए कि एक तो कलर साइंस मुझे अभी भी OnePlus 10T की अच्छी लग रही है, और अगर आप आईकू को देखेंगे तो इधर अभी भी थोड़ा सा ब्लू टोन देखने को मिली है, लेकिन आईकू 90 की डिटेलिंग डेफिनेटली ऑप्टिकल जूम होने की वजह से ज्यादा है। जैसे कि मैं और ज्यादा जूम करता हूं और सामने व्हाइट बिल्डिंग में जो सेकंड फ्लोर पे आपको ग्रिल दिख रही है उसे दिखाता हूं। इस ग्रिल को आप देखिए, आपको ग्रिल जो है वो ज्यादा शार्प और क्लियर देखने को मिलेगी आईकू 90 पर एज कम्पेयर टू 10T। एंड दिस इज फॉर द सिंपल रीजन कि आईकू 90 की जो ये फोटो है ये 2x ऑप्टिकल जूम पे खींची गई है, जबकि OnePlus 10T की जो ये फोटो है वो 2x डिजिटल जूम पे खींची गई है। तो डिटेलिंग आपको आईकू 90 में ही मिलनी थी। अब अगली फोटो जो है वो मैंने यू नो ह्यूमन स्किन टोन कैप्चर करने के लिए खींची, जो कि एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है। और इधर आप देखिए दोनों जो है वो काफ़ी शानदार फोटोज कैप्चर कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं दोनों में, बस कलर टोन हल्की सी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। आईकू में हल्की ब्लू टोन है और OnePlus में हल्की सी येलो टोन आपको देखने को मिल जाएगी। कटआउट दोनों ने बहुत ही परफेक्टली किया है, पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि आईकू में जो राइट साइड में आपको बिल्डिंग दिख रही है वो ओवर एक्सपोज्ड देखने को मिलती है, काफ़ी आप देख सकते हैं बर्न हो रखी है। जबकि OnePlus की बात करेंगे तो इसमें वो एरिया बर्न नहीं है, थोड़ा ये डिफरेंस है, बट अदरवाइज दोनों ने काफ़ी अच्छा स्किन टोन कैप्चर किया है। तो आप इस फोन से किसी की भी फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको वेल लिटअप और डिटेल्ड ही देखने को मिलेगी, आपको कमी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब बारी आती है इन दोनों के फ्रंट कैमरा का डिलाइट ब्लू टेस्ट देखने की। तो इधर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो आप कहेंगे यार आईकू में थोड़ा दम तो है, डेलाइट वीडियो में ये एटलीस्ट OnePlus को स्ट्रांग कंपटीशन दे रहा है। खुद देख सकते हैं आप कि आईकू की क्लैरिटी हो, कलर साइंस हो, थोड़ी क्लोज टू नेचुरल लग रही है। अगर आप OnePlus की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए चेहरा पूरा येलो येलो देखने को आपको मिल रहा है, काफ़ी येलोनेस है चेहरे में, और पीछे भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो क्लोज टू नेचुरल कलर्स जो है वो मुझे आईकू में देखने को मिल रहे हैं। OnePlus थोड़ा सा मुझे ना अलग कलर साइंस यहाँ दिखा रहा है। तो इधर कमाल कर गया है आईकू, वो आप खुद देख सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा डार्क भी है कुछ कुछ सिनेरियो में आईकू के सामने OnePlus, आपने देखा ही है। और मैं एक बार 360 घूम के दिखाता हूँ आपको पूरा सिनेरियो, आप देखिए टी शर्ट का कलर देखिए, बालों का कलर देखिए, चेहरे को देखिए, सब कुछ देखिए। चेहरा देखिए यहाँ थोड़ा सा एकदम से वॉश आउट हुआ था, ओवर एक्सपोज हुआ था, ये देखिए OnePlus में। तो थोड़ा सा बेटर है फ्रंट कैमरा वाइज आईकू OnePlus के सामने थोड़ा सा बेटर साबित होता है। अगेन द स्काई देखेंगे तो इधर भी आप देख सकते हैं आईकू का पलटा भारी है, खुद देखिए आप सिनेरियो पूरा। पीछे कलर्स भी देख लेते हैं, कलर्स भी देखिए आईकू के थोड़े से मुझे क्लोज टू मैच लग रहे हैं। थोड़ा तेज चल के स्टेबलाइजेशन भी आपको टेस्ट करा दूं, आप बताइएगा कि किसकी स्टेबलाइजेशन आपको अच्छी लगी। आई होप समझ आ गया होगा कि फ्रंट कैमरा वाइज कौन सा फोन बेटर है। अब बारी थी डेलाइट के सेल्फी फोटोज को टेस्ट करने की, और इधर आप देख सकते हैं कि आईकू इधर जो है OnePlus को टक्कर देने के लिए तैयार है। OnePlus की फोटो में अगर आप देखेंगे तो जो टी शर्ट का कलर है वो आपको थोड़ा सा ऑरेंज शेड का दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम आईकू की बात करेंगे तो यहाँ पे रेडनेस बरकरार है जो कि रेड टी शर्ट थी। इसके साथ साथ अगर आप OnePlus में नजर मारेंगे तो थोड़ा सा आपको येलोपन देखने को मिलेगा जो कि आईकू में इतना नहीं है। क्लैरिटी वाइज भी अगर आप बिना भी जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि आईकू की फोटो जो है वो थोड़ी ज्यादा क्लियर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि OnePlus में जो टी शर्ट का आपको पैटर्न है वो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड देखने को मिल रहा होगा, तो कह सकते हैं कि इस फोटो में आईकू आगे निकल जाता है। इसके अलावा मैंने सेम सिनेरियो में पोर्ट्रेट सेल्फी भी ली है, और यहाँ पर भी कलर साइंस आपको दिख जाएगा कि आईकू 90 की हल्की बेटर लग रही है मुझे एज कम्पेयर टू OnePlus 10T। OnePlus में आपको दिखेगा कि येलोपन थोड़ा ज्यादा है अभी भी, और इसके साथ साथ अगर हम पोर्ट्रेट की बात करेंगे तो वहाँ पे दोनों ही बराबर ठहरते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कान हो या फिर ऊपर आपको मेरे सर पे जो बाल दिख रहे हैं, कटआउट दोनों ही फोन ने काफी अच्छे से किया है। हम किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि कटआउट के मामले में ये पीछे है, दोनों कटआउट के मामले में काफी सॉलिड साबित होते हैं। अब आपने इन दोनों फोन्स का डिटेल कैमरा कंपैरिजन देख लिया और आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपको अपने लिए एक राइट कैमरा फोन पिक करना है तो वो कौन सा हो। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि OnePlus कुछ मेजर एरियाज में आईकू 90 से आगे जरूर निकल जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईकू कमजोर है। आईकू की भी अगर फोटोग्राफी को देखेंगे तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आईकू OnePlus को मात देता है। ऐसे में यहां पर अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। अगर आप OnePlus फैन है तो OnePlus 10T की ओर जाइए, लेकिन अगर आपको आईकू फोन्स पसंद है तो उस केस में आप आईकू 90 को कंसीडर कर सकते हैं। एनीवे हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।